हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द एडिल क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक 3। टॉपिक 3 का ए पार्ट जो कि था वेदरिंग, और उसमें हम लोगों ने फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ अदर फैक्टर्स जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, और इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो लेट स्टार्ट विद सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन को हम दो कैटेगरीज या दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला वेदरिंग प्रोसेस से बनने वाली सॉइल, और दूसरा होता है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स या पीडोजेनिक प्रोसेसेस से बनने वाली सॉइल। तो हम लोग इन दोनों को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। तो जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन है वो हमारा दो प्रोसेस से होता है। एक तो होता है वेदरिंग प्रोसेस, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदरिंग क्या होती है। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से केमिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था। फिजिकल प्रोसेसेस में हमने कूलिंग, थॉइंग, फ्रीजिंग, ये सारे प्रोसेस पढ़े थे, इरोजन बाय स्ट्रीम्स। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं जो सॉइल फॉर्म करते हैं। मेनली जो हमारा सॉइल फॉर्म होता है वो वेदरिंग प्रोसेस से ही होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स का, तो उससे जो होती है हमारी सॉइल बनती है। ठीक है, उस सॉइल को हम लोग रेगोलिथ भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रेगोलिथ। ठीक है, टर्म यूज करा जाता है अगर हमारे रॉक्स के ब्रेक डाउन से हमारी कोई सॉइल बन रही है, तो हम उसे रेगोलिथ भी बोल देते हैं। आगे ये सारी टर्म्स को थोड़ा और डिस्क्राइब और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरली याद रखो। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरा हमारा जो कॉज होता है सॉइल फॉर्मेशन का, वो होता है कुछ प्रोसेसेस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। वेदरिंग प्रोसेस में क्या है, कुछ टूट रहा है, मैंने बोला था ब्रेक डाउन होता है लार्ज मास का टू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस से क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा हमारा लार्ज रॉक पीस का इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, तो इसी को हम वेदरिंग बोल रहे हैं। तो इधर क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में कई डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स एक साथ मिलकर सॉइल को फॉर्म करेंगे। तो वहां पे यह क्या हुआ, ये ऐसा जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होके सॉइल बना रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे कई फैक्टर्स हमारे, हम आगे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉइल बनाने में। अब जब हमारी सॉइल बनती है, धीरे धीरे बन रही है, तो उसमें कुछ लेयर्स भी देखने को मिलती हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे और प्रोसेस हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होते हैं दो फेजेस में हम लोग डिवाइड करते रखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वेदरिंग, और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं और पीडोजेनिक प्रोसेस होते हैं। पीडोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, पीडोजेनेसिस याद होगा। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा बताया था कि पीडोजेनिक या पीडोजेनेसिस और एडेफोलॉजी में अंतर क्या है। अगर हम लोग सॉइल को इन रिलेशन पढ़ रहे हैं विद द प्लांट, तो उसे एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जबकि अगर हम ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं सॉइल के फॉर्मेशन का, तो हम उसे पीडोजेनिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पीडोजेनिक प्रोसेसेस को। तो यहाँ पर क्या होता है, वेदरिंग में हम लोगों ने देख लिया डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये एक हमारा कैसा प्रोसेस है, हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। और हम लोगों ने सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड पीडोजेनिक प्रोसेस में क्या पढ़ा था, ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल डेवलप होती है। सॉइल प्रोफाइल का क्या मतलब है, सॉइल लेयर्स को ही हम सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, सिनोनिम टर्म्स हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारी जो सॉइल है उसे 5 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है बाय डिकॉचवे फैक्टर्स। ये एक हमारे रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये रशिया से हमारे साइंटिस्ट हैं, वैसली डिकॉचवे। मेरे को नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, लेकिन नाम डजेंट मैटर। ठीक है, नेम डजेंट मैटर, हमें पता होना चाहिए किसने दिया था। तो डिकॉचवे ने दिया था फैक्टर्स इन द 19th सेंचुरी। तो इन्होंने हम लोगों को 5 फैक्टर्स दिए थे सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें से फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो सबसे ये हमें एक इक्वेशन दे रखी थी। तो इक्वेशन अगर जिन जो मैथ के हैं उनको तो समझ में आ जाता है ये क्या है। ठीक है, जो नहीं है वो देखो क्या होता है, ये हमारा एक फैक्टर दे रखा है जिसमें ये एक्स का मतलब होता है, ये है एक वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे। ठीक है, जो चेंज होता रहे। तो ये क्या होता है, एक्स। इधर हम लोग x1 x2 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो s है वो फंक्शन है, इसमें जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसका। मतलब अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगी तो मेरी s की वैल्यू चेंज होगी। तो ये इसके रिलेशन में है। तो इसमें से s स्टैंड्स फॉर, क्या स्टैंड कर रहा है, s हमारा सॉइल फॉर्मेशन के लिए, और f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। जो हमारा है f वो फंक्शन के लिए स्टैंड करता है। इधर जो f है ये फंक्शन है। इधर ऑलरेडी बता दिया फंक्शन कुछ नहीं होता, ये दिखा रहा है कि इस जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जो अब इसमें हम ब्रैकेट के अंदर इन फैक्टर्स को अगर हम चेंज करते हैं, तो हमारा जो बाहर वाला इक्वल वाला है उसके वो चेंज होगा विद रिलेशन टू दिस फंक्शन विद इन दी ब्रैकेट। ठीक है, तो ये f फंक्शन को शो करता है, o ऑर्गेनिज्म को शो करेगा, b इज फॉर बायोस्फीयर। हम ऑर्गेनिज्म को और बायोस्फीयर को सिनोनिम टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो o भी लिखा हो सकता है, b भी लिखा हो सकता है।
डिकॉच मैंने ऑर्गेनिज्म दिया था, ठीक है, अब इसे बायोस्फीयर में भी लेते हैं। जैसे इसमें क्या अंदर आता है, वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म, मैन एंड अदर, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट मटीरियल्स, सीएल मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेट जो होता है हमारा सीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर, स्मॉल आर इज फॉर रिलीफ, आगे पढ़ेंगे रिलीफ क्या होता है, एंड स्मॉल टी इज फॉर टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहला आता है हमारा क्लाइमेट, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म, फिर आता है रिलीफ, फिर आता है हमारा पेरेंट मटेरियल, और लास्ट आता है हमारा टाइम। जो पांच फैक्टर्स थे सॉइल फॉर्मेशन के, जो थे हमारे क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, और फिर हमारा था पेरेंट मटेरियल्स, और टी था टाइम के लिए। इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के अंडर हमारे आते हैं पेरेंट मटेरियल, आर इज फॉर रिलीफ एंड टी इज फॉर टाइम। तो ये तीनों फैक्टर पी आर टी हमारा आता है पैसिव के अंदर, जबकि क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म हमारा आता है सॉइल एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के अंदर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के अंदर? तो पैसिव जो होता है ये हमारा प्रोडक्शन पर्पसेस में, मतलब हम लोग जो भी सॉइल फॉर्म कर रहे हैं उसमें मदद तो करता है, ऑब्वियसली ये वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन ये अकेले कभी काम नहीं कर पाएगा, इसको एक साथ में चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना अकेले काम नहीं करते, मतलब किसी का सपोर्ट चाहिए ही होता है, इतना करीजियस नहीं होते, तो मतलब अकेले कर लेंगे काम, ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई साथ में रहता है ना, थोड़ा दुगना प्रभाव पड़ता है उनके काम करने पे। वैसे ही ये पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर जो होते हैं, पेरेंट मटीरियल हो गया, हमारा रिलीफ हो गया, या फिर टाइम हो गया, अगर इनके संग दूसरा कोई फैक्टर नहीं है तो ये अलोन सोली नहीं काम कर पाते। जबकि एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये अकेले ही काम करते हैं, अगर दूसरा ना भी हो तो भी इनके लिए कोई ऐसा इनके प्रोसेसेस में अंतर नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, पेरेंट मटेरियल, या जो पांच फैक्टर में से सबसे पहला फैक्टर आता है वो है हमारा पेरेंट मटीरियल। सो लेट्स स्टार्ट विद पेरेंट मटीरियल। तो पेरेंट मटीरियल क्या होता है, देखो जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है वो किसी रॉक या मिनरल से तो बनी होगी, किसी रॉक या फिर हमारे मिनरल से बनी होगी, तो उस रॉक और मिनरल को ही हम क्या कह देते हैं, उस सॉइल का पेरेंट मटेरियल। अब जिस भी रॉक से और मिनरल से सॉइल ड्राइव हुई है हमारी, वो उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रॉक से मिलती जुलती होंगी, क्योंकि वो उसी से आई हैं, ठीक है। तो हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, वो पेरेंट मटीरियल पर डिपेंड करती है। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होंगी, वैसे ही जो सॉइल होती है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसके रॉक और मिनरल पे डिपेंड करती है। और जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, जैसे कि हमारा टेक्सचर हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, फर्टिलिटी हो गई, है ना, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, या फिर हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स होंगे हमारे, ये हमारे पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेंगे ऑफ द रॉक एंड मिनरल जो कि सॉइल फॉर्म। इसमें देखो पेरेंट मटेरियल रेफर्स टू द टाइप ऑफ रॉक और सेडिमेंट दैट प्रोवाइड द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। एक ऐसा रॉक और सेडिमेंट जो कि स्टार्टिंग मटेरियल हो सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो फैक्टर है ये हमारा सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, उसका टेक्सचर कैसा रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी रहेगी, वो सब हमारा पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब पेरेंट मटेरियल को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आता है हमारे पास बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है, बेड रॉक होता है हमारा जो भी सॉलिड रॉक होती है, जो भी हमारी सॉलिड, जैसे यहाँ पे देख लो सॉलिड रॉक जो होगी हमारी, वो बीनीथ सॉइल के जो लाई करती है, मतलब सॉइल के नीचे जो लाई करेगी, उसे हम बेड रॉक कहते हैं। बेड रॉक का सीधा सीधा मतलब समझ लो कि जो रॉक का बेड होगा वही, उसको ही हम बेड रॉक कहते हैं, ठीक है। तो द टाइप ऑफ द बेड रॉक प्रेजेंट कैन इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ सॉइल दैट फॉर्म्स। हमारा बेड रॉक का टाइप हमारे सॉइल के फॉर्मेशन को कई हद तक इन्फ्लुएंस करता है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को, सच एज मिनरल कॉन्टेंट, उसके मिनरल कॉन्टेंट को, परमेबिलिटी को और पीएच को। तो हमसे अगर पूछें कि क्लासीफाई करो पेरेंट मटीरियल्स को, तो सबसे पहला उसमें आता है बेड रॉक। और बेड रॉक क्या होता है, एक सॉलिड रॉक का बेड जो कि बीनीथ द सॉइल हो। ये क्या करता है, हमारे कई जो टाइप्स ऑफ बेड रॉक होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हमारे सॉइल को अफेक्ट करते हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि उसके एग्जाम्पल हम बताएंगे, जैसे कि हमारा मिनरल कॉन्टेंट हो गया, परमेबिलिटी हो गई, पीएच हो गया, तो इन सब चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इन एरियाज वेयर बेड रॉक इज शेलो एंड सॉइल मे बी थिन एंड रॉकी। मतलब जहां पे हमारा बेड रॉक थोड़ा कम नीचे होगा, ठीक है, तो वहां पे जो सॉइल होगी वो थिन होगी और थोड़ी सी पथरीली होगी, जबकि जहां पे हमारा बेड रॉक जो होगा काफी नीचे साइड होगा, तो वहां पे जो सॉइल होगी हमारी फर्टाइल होगी। बेड रॉक के बाद आता है हमारे पास एलुवियम। एलुवियम क्या होता है, सॉइल एंड सेडिमेंट जो कि वाटर से ट्रांसपोर्ट होके एक रिवर के बैंक साइड या फिर फ्लड प्लेन्स में या थोड़े से नीचे निचले एरिया में, जिसे हम लो लाइंग एरिया बोलते हैं, वहां पे जाके
सेडिमेंट मतलब वहां पे ठहर जाए, तो उन्हें ही हम एलुवियम सॉइल कहते हैं, और ये जो होती है फर्टाइल होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है। तीसरा होता है हमारे पास विंड ब्लोन डिपॉजिट। विंड ब्लोन डिपॉजिट क्या होता है, इन्हें हम एलुवियन डिपॉजिट भी कहते हैं, और ये हमारे विंड इरोजन से, ये ट्रांसपोर्टेशन से, हमारा जो बेड रॉक था वहां पे क्या हो रहा था, बेड रॉक कुछ नहीं था, हमारे धीरे धीरे जो हमारी सॉइल डिकम्पोज होती है तो उसमें कभी कभी क्या रह जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन की वजह से कई तरह की बेड रॉक फॉर्म होती है, जिसमें से कुछ शैलो होती है और कुछ होती है हमारी डीप। शैलो जो होती है वो हमारी थोड़ी ऊपर साइड रह जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो हमारी थोड़ी कम फर्टाइल होती है, जबकि जो डीप रहती है वो फर्टाइल होती है। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं एलुवियम। एलुवियम सॉइल बनती है हमारी वाटर के डिपोजिशन से, जो हमारे वाटर सेडिमेंट्स कैरी कर रहे हैं वो कहीं रिवर बैंक के या फ्लड प्लेन पे या लो लाइंग एरियाज में जाकर डिपॉजिट कर दे, तो उससे जो सॉइल बनती है वो फर्टाइल होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होती है। तीसरा आता है हमारे पास विंड ब्लोन डिपॉजिट। विंड ब्लोन डिपॉजिट को हम एलुवियन डिपॉजिट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, थ्रू द विंड इरोजन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सॉइल फॉर्म्स होती हैं। ये वाली जो सॉइल होती है यहाँ पे, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है हमारा विंड, तो यहाँ पे मेनली कहाँ कहाँ पे होती है, हमारे डेजर्ट और कोस्टल ड्यून्स एरियाज में ज्यादा होती है, जहाँ पे हमारा वाटर है नहीं, ठीक है, डेजर्ट एरियाज में। तो क्या होता है, हमारी विंड जो होती है मेन फैक्टर होती है, इधर डोमिनेटिंग फैक्टर होती है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। फोर्थ आता है हमारे पास ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर से डिपॉजिट होने वाले सेडिमेंट्स को हम लोग ग्लेशियल डिपॉजिट्स कह देते हैं। यहाँ की जो सॉइल होती है रिच होती है मिनरल्स में, लेकिन पुअरली ड्रेन्ड होती है ड्यू टू द लार्ज एंड कॉम्पैक्टेड सॉइल क्लम्स। हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लेशियल डिपॉजिट से बनने वाली जो सॉइल होती है, इसका जो वाटर परकुलेशन है, मतलब वाटर ड्रेनेज, बिल्कुल बहुत ज्यादा पुअर होता है, नीचे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं बहुत मोटे मोटे क्लम्स, हमारे सॉइल के मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा परकुलेशन नहीं हो पाता। लेकिन ये जो सॉइल होती है बहुत ज्यादा रिच होती है मिनरल्स में, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स आर द सॉइल एंड सेडिमेंट दैट हैज बीन फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर जो हमारे फॉर्मेशन है सॉइल और सेडिमेंट्स का, वो एक्यूमुलेशन बाय प्लांट या एनिमल्स हो रहा है, ठीक है, प्लांट करवा रहा है या एनिमल करवा रहा है एक्यूमुलेशन, तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक डिपॉजिट कह देते हैं। और ये वाली सॉइल भी बहुत हाईली फर्टाइल होती है, ठीक है। तो एक बार समझते हैं हम इन्हें शॉर्ट में क्या क्या देखा। पेरेंट रॉक के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा बेड रॉक क्या होता है, फिर हमने पढ़ा एलुवियम क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा एलुवियन क्या होता है, ग्लेशियल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। तो बेड रॉक हम लोगों ने क्या देख ली, हमारी बेड रॉक पर डिपेंड करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी होगी। अगर हमारे बेड रॉक थोड़ा ऊपर साइड है, ठीक है, तो हमारी जो सॉइल होगी वो लेस फर्टाइल होगी, ठीक है, थोड़ी थिन होती है। जबकि अगर जितना ही बेड रॉक हमारा डीप होता है, उतनी ही ज्यादा सॉइल हमारी क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो अब सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास एलुवियम। जब हमारा सॉइल और सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यू टू द फैक्टर ऑफ वाटर, क्या देखा था हम लोगों ने एलुवियम का, वाटर, वाटर फैक्टर होता है। जब हमारा वाटर कहीं दूर से जाके ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा वाटर डिपॉजिट लाके हमारा कहाँ पे, लो लैंड एरियाज में, है ना, लो लैंड एरियाज हो गया, ठीक है, रिवर बैंक के साइड में लाके डिपॉजिट कर देता है उन सॉइल्स एंड सेडिमेंट्स को, क्यों, वाटर, तो उसे हम एलुवियम सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप फर्टाइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। थर्ड फैक्टर होता है हमारा एलुवियन। एलुवियन किसकी मदद से हो रहा था, हमारा विंड की मदद से हो रहा था। तो यहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन या फिर सॉइल एंड सेडिमेंट, जो एंड सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं, बाय विंड। तो यहाँ पे कौन सी सॉइल फॉर्म होगी, एलुवियन सॉइल फॉर्म होगी। फोर्थ आता है हमारा ग्लेशियल। ग्लेशियल किसकी वजह से होता है, ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से होता है। ग्लेशियल डिपॉजिट की वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है वो हमारी रिच इन मिनरल्स होती है। मिनरल्स तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, पुअर इन ड्रेनेज। ड्रेनेज के अंदर बहुत ज्यादा पुअर होती है, पॉपुलेशन नहीं हो पाता हमारा मिनरल्स का इनटू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर जब हमारे प्लांट और एनिमल डिपोजिशन, जब हमारे प्लांट्स एंड एनिमल डिपोजिशन करा दें सॉइल, सॉइल एंड सेडिमेंट्स का, तो हम उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक से फॉर्म होने वाली सॉइल्स, ठीक है। तो ये हमारे पेरेंट मटेरियल खत्म हो गया, पेरेंट मटेरियल हम लोगों ने देख लिया। जो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, पेरेंट मटेरियल जब भी हमारी सॉइल कोई भी फॉर्म हो रही है तो वो एक रॉक और मिनरल से फॉर्म होती है, तो उस रॉक और मिनरल को ही उस सॉइल का पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। हम लोग पेरेंट मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में, बेड रॉक, एलुवियम, एलुवियन, ग्लेशियल एंड ऑर्गेनिक। अगर हमारा बेड रॉक होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने से। एलुवियम में हम लोगों का वाटर होता है सॉइल एंड सेडिमेंट को डिपॉजिट करने वाला, एलुवियन सॉइल में विंड होता है, ग्लेशियल में ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, और ऑर्गेनिक में हमारा प्लांट्स एंड एनिमल डिपॉजिट करते हैं सॉइल एंड सेडिमेंट्स का। लेट्स डिस्कस नाउ द सेकेंड स्पेसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, रिलीफ। रिलीफ पढ़ते हैं अब हम। तो रिलीफ क्या होता है, रिलीफ होते हैं जो हम लोग विजुअली देख पा रहे हैं, फिजिकल फीचर्स किसी भी लैंडस्केप के, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं उसका स्लोप कितना, उसका शेप कितना। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है हमारा माउंटेन का जो स्लोप है ना, ये होता है, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा हो, ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं स्लोप,
ठीक है, तो हम लोग जो हम लोग फिजिकली देख पा रहे हैं किसी भी लैंडस्केप, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स देख पा रहे हैं, ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज देख पा रहे हैं, ये प्लेन। प्लेट्यूज क्या होते हैं, माउंटेन से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। और प्लेन जो होता है हमारा, जो हम लोग हाँ देख पाते हैं, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर मेनली होता है फ्लैट सर्फेसिस पे। तो ये जो होते हैं फिजिकल फीचर्स किसी भी लैंडस्केप के, इसे ही हम रिलीफ कहते हैं, या फिर इन्हें दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टोपोग्राफी। ये क्या होता है, ये हमारे क्या करते हैं, ये रिलीफ और टोपोग्राफी, ये हमारे ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं रेटेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को, रेटेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को, और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉइल का हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप में। इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, क्या समझा हम लोगों ने इसमें। देखो, जब भी रेनफॉल होती है, जब भी रेनफॉल होती है, तो ड्यू टू दीज फिजिकल फीचर जो कि हम लोगों ने पढ़े, शेप या फिर स्लोप, ठीक है, शेप और स्लोप की मदद से अब देखते हैं क्या क्या दो फैक्टर्स हमारे देखने को मिलते हैं रेनफॉल की वजह से। तो रेनफॉल में पहली कंडीशन क्या होगी, जो सारा पानी है वो हमारा सॉइल के अंदर चला जाए, ठीक है, तो जो सारा पानी है परकुलेट हो जाए डाउनवर्ड, क्या हो जाए, परकुलेट हो जाए हमारा डाउनवर्ड। और दूसरा फैक्टर जो हमारा रेनफॉल में आएगा, वो आएगा हमारा रन ऑफ का। रन ऑफ मतलब अगर हमारा स्लोप थोड़ा ज्यादा ही स्टीप है, मतलब टेढ़ा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर रन ऑफ होता है, तो वहां पे तो परकुलेशन हुआ नहीं, तो हुआ क्या, सारा पानी जो होता है नीचे बेस में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे माउंटेन्स, माउंटेन्स में क्या होता है, ये स्टीप हो गया स्लोप, तो जब भी बारिश गिरती है सारा पानी बह के नीचे बेस पे चला जाता है, तो यहाँ पे परकुलेशन हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो सॉइल जो डेवलप होती है वो हमारी अच्छे से लेयर्स डेवलप नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हमारा लेयर्स जो होती हैं अच्छे से डेवलप नहीं होती, सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं होती है। जबकि यहाँ पे बेस पे, हम लोग बेस की बात कर रहे हैं, बेस पे जहाँ पे पानी आता गया रन ऑफ की वजह से, वहाँ पे क्या होता है, हमारा सॉइल प्रोफाइल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, यहाँ पे डाउनवर्ड पोर्शन में हमारी प्रोफाइल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट वेरिएशन आ गया ड्यू टू दिस फॉर्मिंग फैक्टर रेनफॉल की वजह से। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिर्फ टोपोग्राफी की वजह से, टोपोग्राफी क्या, फिजिकल फीचर्स में डिफरेंस होना, अगर यहाँ पे अगर ये वाला एरिया हमारा नीचे हो जाता तो यहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये जगह जो जगह थी हमारी, वो थी हमारी उठी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सॉइल कम डेवलप हुई, और यहाँ पर बेस में जो थी हमारी सॉइल ज्यादा डेवलप हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अब जो वेजिटेशन है, जैसे हमारी फ्लोरा और फौना, वो हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी एट द बेस, और जबकि अपवर्ड मतलब माउंटेन एरियाज में हम लोगों को वेजिटेशन थोड़ी कम देखने को मिलेगी, मिलेगी देखने को ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ी कम मिलेगी और डिफरेंट मिलेगी जो हमें बेस पे मिल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेरिएशन आते हैं, है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आए। तो सिर्फ रिलीफ की वजह से देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया हमारा वेजिटेशन में। तो अब वापस आते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे, जो रिलीफ है उसमें यही होता है कि अगर जैसे बारिश पड़ती है, तो जो बारिश होती है वो नीचे बह के जाती है प्लेट्यूज पे, थोड़ी कम रुक जाएगी, थोड़ी कम रुकेगी, और जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा रुकेगी क्योंकि वो फ्लैट है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड स्लोप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गवर्न करते हैं कि कैसी वेजिटेशन और सॉइल वहाँ पे फॉर्म होगी, और उसकी वजह से और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, और सॉइल प्रोफाइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बनती है। अब देखते हैं हम लास्ट पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, और वैसे पांच फैक्टर्स में से तीसरा फैक्टर टाइम। सो लेट स्टार्ट विद टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में, इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जीरो पॉइंट मतलब जीरो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट में कुछ भी स्टार्ट करोगे तो तुम जीरो से ही तो स्टार्ट करोगे, कि वहां पे तुम्हें कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई और तुम लोगों ने रिजल्ट अपना दिया, बेस्ट दिया, ठीक है, तो जीरो से लेके फाइनल तक। तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट से फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉइल तक हमारा जो सफर रहता है उसे ही हम बोलते हैं एज ऑफ सॉइल। अब ये जो सफर जो था ये कहीं भी खत्म हो सकता है, ठीक है, जो हम लोग अभी अगर हम लोग किसी भी सॉइल की प्रेजेंट स्टेज देख ले, मैं आपसे अगर आपकी प्रेजेंट देखूं कि आप जब बॉर्न हुए थे तो आप जीरो मान के चलो, वहां से लेके अब तक वो आपकी एज हो गई, वैसे ही अगर मैं प्रेजेंट स्टेट देखूं किसी भी सॉइल का तो वो उसकी एज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो से लेके आपकी प्रेजेंट एज ऑफ सॉइल, प्रेजेंट डेवलपमेंट स्टेज को ही हम एज ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है एकदम से हमारा सॉइल फॉर्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे प्रोसेस फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा जरूरी भी नहीं है हमेशा धीरे ही हो, धीरे में भी टाइप्स ऑफ धीरे हो गए, ठीक है। तो एक होता है फास्टर धीरे, मतलब फास्टर क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होगी थोड़ी सी फास्टर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मैंने बोला पैसिव क्या होते हैं, सोली का भी काम नहीं करेंगे, इनको कुछ साथ में एक और चाहिए होता है, प्लस वन इनको चाहिए, ठीक है। तो फास्टर जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होते हैं, हमारे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, वार्म हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, जैसे वार्म हो गया है ना, फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पे थोड़ा सा सनी
हमारा डे रहता है वहां पे थोड़ा फास्टर सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस रहते हैं, जबकि स्लोअर कहाँ पे रहते हैं, हमारे कोल्डर एरियाज में जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है वहां पे क्या रहता है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन जो होता है थोड़ा सा धीरे हो जाता है। तो फ्रॉम द जीरो टू द प्रेजेंट एज या स्टेज हम लोग बोले हैं सॉइल फॉर्मेशन की, उसे बोलते हैं एज ऑफ सॉइल। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये हमारा फास्टर होता है वार्म एरियाज में, और थोड़ा सा स्लोअर और भी ज्यादा स्लो प्रोसेस एक हम लोगों ने मान लिया आइडल, उससे भी ज्यादा स्लो होता है हमारा कोल्डर एरियाज में, और थोड़ा सा फास्टर होता है हमारा फॉरेस्ट या फिर वार्म एरियाज में। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में ही हम लोग सॉइल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी यंग सॉइल और एक होती है हमारी मैच्योर सॉइल। यंग सॉइल का मतलब क्या है, यंग सॉइल में हमारा अभी डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है। क्या होता है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट है हम लोग अभी यंग हैं, हमें थोड़ी समझ कम है, ठीक है, तो हमारा डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, तो हमारी जो डिस्टिंक्टनेस है, हम लोग अभी अपने फेजेस को डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग अपने फेजेस को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि सॉइल जो यंग होगी उसमें हम लोगों को सॉइल लेयर्स देखने को नहीं मिलती हैं इतने अच्छे से, ठीक है, तो अभी ये सॉइल जो होती है डेवलपमेंट स्टेज के अंदर होती है, जबकि जो मैच्योर सॉइल होती है उसमें डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है या फिर अब बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ गया, बहुत ही मिनिमल उसमें हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या होता है, हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं लेयर्स के बीच में कि ये वाली ए लेयर है, बी लेयर है या सी लेयर है, तो हम इसमें हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। जैसे कि एक मैच्योर पर्सन वो बता सकता है कि ये उसकी यंग एज थी, ये यहाँ पे इसका करियर, इसने करियर के लिए करा, यहाँ पे इसकी मैरिज हुई, यहाँ पे इसने अपना करियर चेंज करा, बिजनेस में आया, है ना, ऐसे ही यहाँ पे इस हम थोड़ा सेटिस नहीं जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई मर गया, ठीक है, ऐसे। तो ये फेजेस होते हैं लाइफ के, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं वो अपने फेज को लाइफ के लिए, ठीक है। तो सॉइल को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यंग एंड मैच्योर सॉइल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसे थोड़ा स्लाइड से, स्लाइड में क्या है हम देखते हैं, सॉइल इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। टाइम को, टाइम जो होता है हमारा प्राइमरी फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट से लेके सॉइल डेवलपमेंट तक की स्टेज को हम लोग एज ऑफ सॉइल कहते हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस है, देख लिया है, ये हमारा जो होता है सॉइल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। सॉइल फॉर्मेशन फास्टर होता है कहाँ कहाँ पे, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में, और जो हमारा और भी ज्यादा स्लो होता है एक्सट्रीमली कोल्ड और एक और था ड्राई क्लाइमेट्स में भी बहुत ज्यादा स्लो रहता है। सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यंग सॉइल और मैच्योर सॉइल। जब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर स्टिल ऑपरेटिव हो, स्टिल ऑपरेटिव मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, डिस्टिंक्टनेस नहीं आई है, तो उसे हम मैच्योर सॉइल कहते हैं, जबकि हमारी अगर स्टेडी स्टेट आ गई है पेरेंट मटेरियल की, अब यहाँ पे कोई चेंजेस, वही बात है, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब सॉइल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, कोई चेंजेस नहीं होंगे अब, तो उसे हम लोग मैच्योर सॉइल कहते हैं। मुहार और वैन बेरन ने रिकोगनाइज करे थे 5 स्टेजेस ऑफ सॉइल, ये अगर याद रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा अगर जैसे वन टर्म या वन वर्ड में हमारा आ गया कि ये क्या होता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, अनवेदर्ड मटेरियल होगा, देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हम लोगों को पता है एक रॉक रहती है, ठीक है, अब क्या होता है ये वेदरिंग प्रोसेस से जाएगी, वेदरिंग प्रोसेस से गो थ्रू करेगी, तो हम उसे जुविनाइल स्टेज कहते हैं। अनवेदर्ड रॉक को मतलब जिसमें अभी कोई भी वेदरिंग नहीं हुई है, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज, जिसे हम 0 पॉइंट भी कह रहे हैं, ठीक है। जुविनाइल स्टेज में क्या होता है, वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, वेदरिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करने लगते हैं। वायराइल सॉइल क्या होती है, मतलब वायराइल स्टेज क्या होती है, अब इधर क्या होता है, वेदरिंग पीक पे आ चुकी है, इसमें हम लोग इतना फ्रेगमेंट्स टूटे जा रही है कि वेदरिंग प्रोसेस सबसे आसान तरीके से हो रही है। अब सेनाइल, सेनाइल फेज में क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन जो होता है पूरा डिसइंटीग्रेशन फाइनल स्टेज पे आ जाता है, और अब जो वेदर होने वाली रॉक्स हैं वो इतनी जल्दी आसानी से वेदरिंग होगी नहीं उनके अंदर, वो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम पार्ट हो चुका है, अब उनके अंदर क्या है, हमारा फाइनल स्टेज पे आ गया, और वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मिनरल्स ही हमारे रह गए हैं, और जो सॉइल डेवलपमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है फाइनल स्टेज पे। इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं और आसान शब्द में, जैसे इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, अनवेदर्ड, मतलब हम लोग थोड़ा आर्मी के बेसिस पे बोलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, सब लोग बहुत अनट्रेंड रहते हैं, ठीक है, सब आते हैं स्पिरिट से आते हैं, लेकिन अनट्रेंड रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है उन पर थोड़ा सा हम लोग मेहनत करने लगते हैं, ठीक है, जो हमारी आर्मी है उन यंग लोगों पर मेहनत करने लगती है, तो उसमें क्या होता है कुछ कुछ धीरे धीरे हमारे वॉर में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है धीरे धीरे हमारा काम करने लगते हैं, वेदरिंग होने लगती है, कुछ लोग मर जाते हैं, है ना, शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना मतलब बेस्ट देते हैं। एक पॉइंट आता है वेराइल स्टेज, जहाँ पे पीक होता है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग सफर कर रहे होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो वहां पे पीक आ जाती है।
सिनाइल स्टेज में क्या होता है, वहां पे फाइनल स्टेज में हम अराइव हो चुके हैं, तो वहां पे जो हमारे सैनिक बचते हैं वो मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मोस्ट पावरफुल बचते हैं। तो वही सेनाइल ऐसे ही यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद भी जो अब फ्रेगमेंट्स बच गई वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होंगी, ठीक है, उसके लिए। और फाइनल स्टेज में पूरी हमारी सॉइल डेवलपमेंट होती है, हम जीत जाते हैं, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशन यही होता है, और इसमें हमारा टाइम का फैक्टर जो होता है यही रोल प्ले करता है कि इसमें जितना हमारा ज्यादा टाइम होगा उतनी ही अच्छी हमारी सॉइल डेवलप होगी, जितना कम टाइम उसे देंगे उतनी ही थोड़ी लेस डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स क्लाइमेट, जो कि फोर्थ फैक्टर है हमारे जो 5 फैक्टर दिए थे उसमें से। क्लाइमेट क्या होता है, अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड सपोज करो 30 ईयर्स का हम लोगों ने डेटा निकाला एक जगह का, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का हम लोगों ने डेटा निकाला, वहां पे एक एवरेज टेम्परेचर आ रहा है कुछ, एक एवरेज हमारी रेनफॉल आ रही है, तो वो उस जगह का क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। अब इस बेसिस पे ही हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और वेदरिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या अफेक्ट करती है, एक वेजिटेशन दैट ग्रोज इन अ पर्टिकुलर एरिया, वेजिटेशन को अफेक्ट करती है, जो एरिया में ग्रो कर रही है, कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी घास, कौन कौन सी प्लांट्स, कौन कौन से एनिमल्स हमें मिलेंगे, तो ये सब हमारा क्लाइमेट डिफाइन करता है, ठीक है, जो कि लेटर हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट होगा सॉइल में उसको भी बहुत ज्यादा गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट को देखें तो वहां पर ब्रेकडाउन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का क्विकली हो जाता है, जबकि कोल्डर क्लाइमेट्स में हमारा जो ब्रेकडाउन होता है वो स्लोअर होता है। ये हमने टाइम में भी देखा था, टाइम और क्लाइमेट में अंतर क्या है, टाइम में हमारा जो था रिलेटिव फ्रेम ले रहे हैं, टाइम को हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्लोली, लेकिन क्लाइमेट में क्या है हम लोग और भी फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। टाइम को हम देख रहे हैं कि इतने से टाइम में क्या हुआ, इतने ज्यादा टाइम में क्या हुआ, ठीक है, तो टाइम में ये देखते हैं। लेकिन क्लाइमेट में क्या देखते हैं, टाइम के साथ साथ अदर फैक्टर्स को भी हम लोग रिलेट करके देखते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो उनके बेसिस पे क्या सॉइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी की वजह से हम देखेंगे जो हमारी सॉइल फॉर्म होती है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में कैसे अलग अलग होती है, ठीक है। लास्ट जो हमारा एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है वो हमारा है ऑर्गेनिज्म, जिसे हम अब बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर हमारा कैसे सॉइल फॉर्म करता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स होते हैं, वो हमारे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे हेल्प टू क्रिएट एंड मेंटेन द सॉइल स्ट्रक्चर बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रिएटिंग चैनल फॉर वाटर एंड एयर टू सर्कुलेट। ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, सॉइल में ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, जिसकी वजह से क्या होता है वो वाटर चैनल और वाटर के लिए और एयर के लिए जगह बना देता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेक डाउन से क्या होता है वहाँ पे वाटर और सॉइल, वाटर और एयर के लिए जगह बन जाती है सर्कुलेशन के लिए। क्यों, प्लांट को वाटर और एयर दोनों चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके पाथ के लिए हमारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर और एयर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट को। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सॉइल थ्रू द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिमेन्स। अब वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर का, तो वहां पे क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देते हैं सॉइल्स के अंदर। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या, वो हमारे सॉइल के अंदर बाय प्रोडक्ट्स भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो सॉइल और फर्टाइल हो जाती है फॉर द कल्टिवेशन। फोर्थ में देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में हमारे मोल्स, अर्थवॉर्म, एंट्स, टर्माइट, रोडेंट्स, ये क्या होते हैं कांस्टेंट मिक्सिंग करते हैं सॉइल लेयर्स की, कांस्टेंट मिक्सिंग की वजह। अब ये जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, जैसे रोडेंट्स हो गए, रोडेंट्स मतलब चूहे वगैरह, ठीक है, तो ये जब ऊपर आते हैं तो सॉइल क्या होती है खुद ही मिक्स होती है ना, वहां पे क्या होता है और मिक्सिंग होती है सॉइल लेयर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो आज हम लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स जो कि हैं हमारे, पहला हम लोगों ने 5 फैक्टर्स देखे, 5 फैक्टर्स में हमारे कौन कौन से आते थे, हम लोगों ने देखा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर फंक्शन किस किस का होता था, क्लाइमेट हमारा ऑर्गेनिज्म का, हमारा रिलीफ का, हमारा पेरेंट मटेरियल का, हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। तो 5 फैक्टर्स होते थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पैसिव कौन कौन से हैं हमारे, हमारा पहला हो गया रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, टाइम, है ना, और उसके बाद एक्टिव कौन कौन से हमारे, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे एक्टिव हो गए। तो ये हम लोगों ने 5 फैक्टर्स आज पूरे लेक्चर में पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो बहुत छोटा सा रहेगा, इतना लेंदी नहीं है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स क्या हैं, तभी तो हम पढ़ पाएंगे कि हम आगे जब क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, प्रोफाइल्स पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से सॉइल बन रही हैं। हमें जब सारे सोर्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम ज़्यादा बेटर क्लासीफाई कर पाएंगे, हम डिफाइन कर पाएंगे सॉइल्स को और उनकी लेयर्स को। तो
तो ये हमारे हम लोगों ने देख लिया वेदरिंग, वेदरिंग से सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, वेदरिंग क्या होती है, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे की जाती है वो अगर आपको आता है, तो ये जो डिकॉचवे ने जो फैक्टर्स दिए थे 5 फैक्टर्स, वो आप बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि रिलीफ, रिलीफ को हम टोपोग्राफी भी कहते हैं, पेरेंट, पेरेंट मटीरियल क्या होता है, टाइम, क्लाइमेट जो कि होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किसी भी जगह का रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का पैटर्न क्या है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर डिफर करता है, तो वो हमारा क्लाइमेट हो गया। ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखे अभी कि मोल्स एंट कैसे हमारे सॉइल प्रोफाइल को अप डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल्स बन जाते हैं फॉर वाटर एंड एयर। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अगले में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसेस, और तो ये टॉपिक हमारा 3 का B पार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग C पार्ट पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग टॉपिक 3 C में हम लोग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको हमारी लेक्चर वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू।